गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्टेसरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्रीति मिस आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाती हूँ। तब आप लोग घर पे छुट्टियाँ मना रहे हैं, मज़ा तो बहुत आ रहा होगा छुट्टियों में। खूब खेल रहे हैं ना, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई भी करते रहिए। मैंने आपको चैप्टर पिछली क्लास में चैप्टर 1 रिवाइज करवाया था, आज मैं चैप्टर 2 आपको रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है बच्चों, चैप्टर 2 कहानी आपको पता होगी। मैंने क्या पढ़ाया था चैप्टर 2 में? कुएं का पानी। क्या है कहानी उसका, आप लोगों को पता है? कुएं का पानी का कहानी मैंने पढ़ाया था ना, आप लोगों को जरूर पता होगा। एक सेठ रहता है जिसने अपने कुएं को एक ब्राह्मण को बेच देता है। जब सुबह में ब्राह्मण उस कुएं से पानी लेने जाता है तो क्या बोलता है सेठ कि ये कुआं किसका है? तो बोलता है ये कुआं मैंने केवल कुएं को बेचा है, कुएं के पानी को नहीं। ये कुएं का पानी मेरा है और उसको पानी भरने नहीं देता है। तब फरियाद लेकर वह किसके पास जाता है? राजा के पास जाता है। और राजा क्या बोलता है? फिर राजा उसकी चाला सेठ की चालाकी को समझ जाता है और उसको दंड देता है। दंड देने के लिए बोलता है, तब तक वह अपने गलती को स्वीकार कर लेता है और बोलता है कि महाराज मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। आप लोगों ने कहानी पढ़ा है ना, आइए अब उसके चैप्टर के एक्सरसाइज को देखते हैं। आप लोगों ने याद किया है, चलिए अब उसके एक्सरसाइज को देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग मिलाते हैं। सही उत्तर पर निशान, सही का निशान लगाइए। ये मैंने आपको करवाया था ना। क्या था सेठ? कैसा था? अच्छा था, चालाक था या लालची था? कैसा था? लालची था। आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है ना। ब्राह्मण कैसा था? सीधा साधा, मूर्ख या फिर बेईमान? कैसा था ब्राह्मण? ब्राह्मण सीधा साधा था। नंबर गौ, सेठ ने, नंबर गौ, सेठ ने एक बाल्टी पानी के लिए कितने रुपए मांगे? 100 रुपए मांगे या 200 रुपए मांगे या फिर 50 रुपए? कितने रुपए मांगे? 100 रुपए मांगे। ठीक है बच्चों, नंबर घ, राजा ने सेठ से किराए के रूप में प्रतिदिन कितने रुपए देने को कहा? कितने रुपए किराए मांगे उसने? प्रतिदिन 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 100 रुपए? कितने रुपए मांगे? 100 रुपए। आइए अब हम लोग इधर चलते हैं, पेज नंबर 21। कौन सी बात किसने कही? आप लोगों को पता है ना कौन सी बात किसने कही? कथन का सही चित्र से मिलान कीजिए। नंबर क, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। यह बात किसने कही थी? सेठ ने। उसने नहीं ना भरने दिया था पानी ब्राह्मण को। हाँ, नंबर ख, अब उस कुएं का मालिक कौन है? अब उस कुएं का मालिक कौन है? कौन है ये बात किसने पूछा था? राजा ने पूछा था। नंबर ग, श्रीमान कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था। यह बात किसने कही थी? ब्राह्मण ने कही थी। ठीक है, इसके बाद नंबर घ, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। यह बात किसने कही थी? सेठ ने। जब लास्ट में उसकी चोरी पकड़ा जाती है तब वो बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पढ़िए समझिए और लिखिए। शहर का गांव, खरीदना बेचना, ये क्या है बताइए? खरीदना का बेचना, विलोम सब। ठीक है, एक का अनेक, मालिक का नौकर, दुखी का खुशी, चालाकी का बेवकूफ़ी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में मिलाते हैं।
अ लगाकर विलोम शब्द बनाना है। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सफल का असफल, परिचित का अपरिचित। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग इधर चलते हैं, पेज नंबर 23। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, आप। आदि नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के आगे रेखा खींचनी है। क्या है सर्वनाम? तुम, मैं, ये सब जितने होते हैं ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, तुम केवल कुएं के मालिक हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम। ख नंबर, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मैं। ग नंबर, आप अपना पानी वहाँ से निकाल लें, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप। वह सीधा राजा के पास पहुँचा और न्याय की भीख मांगने लगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह। नंबर अंग, आपने मेरी आंखें खोल दी, इसमें आपने जो है वो क्या है? सर्वनाम है। च नंबर, ठीक है तुमने यह कुआं खरीदा है, ठीक में क्या होगा? सर्वनाम होगा। आइए फिर हम लोग ये देखते हैं, क्या है? मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। मुहावरों के अर्थ समझना है और उससे वाक्य बनाना है। हक्का बक्का रह जाना, उसका क्या होता है? हैरान होना। राजा की बात सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। ठीक है बच्चों, अब आंखें खोलना, इसका क्या होता है? आंखें खोलना, होश में आना। राजा की बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गई, क्या होगा? राजा की बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। आइए अब इसको देखते हैं, प्रत्येक शब्द के आगे लिखिए कि ये कौन सी संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है बताइए। न्याय भाववाचक संज्ञा, माफी भाववाचक संज्ञा, और इधर ब्राह्मण जातिवाचक संज्ञा, और बाल्टी जो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज चैप्टर 2 बुक। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से घर में रहिए और पढ़ते भी रहिए, पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल खुलने पर फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलती हूँ।